नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करते हैं महानगर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। भानुभक्त जयंती कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया एकता का संदेश, कहा महान व्यक्ति कभी भेदभाव नहीं करता। भानुभक्त जी का कोई भेदभाव करने का बात नहीं था। जो हम लोग हर तरह कहते हैं, भेदभाव छोड़ो, भेदभाव छोड़ो, तपाई हारू, उन्नति चाहन्छे के लिए भानुभक्त जी को प्रणाम करें। कोलकाता में प्लास्टिक बैन को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे एनसीसी के जवान। इस मौके पर मेयर फिरहाद हकीम ने भी लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही कहा कि अगर लोग नहीं माने तो कार्रवाई की जाएगी। মানুষ লজ্জা পাবে যে সমাজে যখন বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এনসিসি ক্যাডাররা তারা এসে অনুরোধ করছে, অথচ আমরা সমাজের একটুও দায়িত্ব নেব না। পাতলা প্লাস্টিক কিনবো, ফেলে দেবো, ড্রামে ড্রেন জাম হবে, পরিবেশ দূষণ হবে, আর তারপর বলবো কর্পোরেশন কিছু করছে। এই যে দায়ে চাপানো, এটা তো নাগরিকেরও দায়িত্ব যে আমার যে কর্তব্য যে এখন যখন এনভায়রনমেন্ট পাতলা প্লাস্টিক ইউজ বন্ধ করেছে, তখন আমরা পঁয়ত্তর মাইক্রনের নিচে প্লাস্টিক ইউজ করব, সেটার ভিজিলেন্ট অফিসার হিসেবে এনসিসি ক্যাডাররা বাংলার প্রত্যেকটা বাজারে যাবে এবং সেখানে বিশেষ করে কলকাতার প্রত্যেকটা বাজারে যাবে এবং সেখানে গিয়ে মানুষকে সচেতন করবে। দরকার হলে পরবর্তী কালে ওই প্লাস্টিকগুলো বাজেয়াপ্ত করে পুলিশের হাতে দিয়ে। कल से यानी गुरुवार से आम लोगों के लिए सियालदा मेट्रो परिसेवा की शुरुआत कर दी गई है। अब लोगों के लिए सियालदा से सॉल्टलेक सेक्टर 5 तक का कठिन सफर आसान हो जाएगा। मेट्रो परिसेवा सुबह 6:55 से शुरू होगी। एक नज़र जिलों से जुड़ी खबरों पर। फर्जी ज्योतिषी का परिचय देकर एक किशोरी का अपहरण करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम मसीउल्लाह शेख बताया जा रहा है। वह डायमंड हार्बर क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने उसे बांसद्रोड़ी इलाके से मंगलवार की रात पकड़ा है। न्यूटाउन थाना अंतर्गत सुलंगुरी पुलिस कैंप के पास बड़ा तालाब में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृत किशोर का नाम कुशल मंडल बताया जा रहा है, जो आदर्श पल्ली इलाके का रहने वाला था। मालूम हो कि आज सुबह 10 बजे वह दोस्तों के साथ तालाब में नहाने के लिए गया था, उसी दौरान डूबने से उसकी मौत हो गयी। भाटपाड़ा से एक बार फिर बम बरामद किया गया है। मालूम हो कि भाटपाड़ा में निर्माणाधीन इमारत के पास से 25 बम बरामद किया गया है। बम किसने रखा इसका पता अभी तक नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब रुक करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की ओर। खुशखबरी, अब 18 से ऊपर के लोगों को फ्री कोरोना बूस्टर डोज मिलेगा। अगले 75 दिन मुफ्त मिलेगी वैक्सीन। 15 जुलाई से लगवा सकते हैं सरकारी अस्पतालों में। मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों पर डालते हैं एक नज़र। देश से बाहर जा सकेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। कोर्ट ने दिया पासपोर्ट लौटाने का आदेश। कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।